फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताऊंगी आपको सिंगल कलर की स्वेटर डिज़ाइन। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। सिर्फ टू रो की डिज़ाइन है, दो सिलाई की डिज़ाइन है गाइज। लेकिन इस डिज़ाइन को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही ईजी है। लेकिन बनाने में थोड़ा सा, अगर जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दे दो बस एक बार, तो वो आपके दिमाग से उतरेगा ही नहीं, चाहे जब बनाओ। बस एक थोड़ा सा गलती, थोड़ा सा मिस्टेक, ऐसे लगेगा कि नहीं, ये आपकी डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना हम शुरू करते हैं। राइट साइड सीधे की तरफ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। दो सिलाई की डिज़ाइन है और दोनों साइड डिज़ाइन पड़ेगी, राइट साइड एंड बैक साइड, रॉन्ग साइड। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको उल्टा सीधा बनाना आता होगा तब भी आप हमारे हर डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। फर्स्ट रो राइट साइड, पहले फंदे को स्लिप किया, ध्यान से देखिएगा, 3+1 के मल्टीपल पर ये डिज़ाइन बनेगी। 1, 2, 3, तीन फंदे को सीधा बुनना है और ये चौथे फंदे के बीच से आपको लूफ निकालना है ऐसा, फिर इस फंदे में बुनना है ये ऐसे, फिर तीन फंदा आपको सीधा बुनना है, 1, 2, 3, फिर इस फंदे के बीच से आपको लूफ निकालना है, फिर इस फंदे में बुनना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना। अब देखिए मैं थोड़े से फंदे में बता रही हूँ, अगर जितने सिलाई के फंदे रहेंगे आपके इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। रॉन्ग साइड, अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो लूफ वाले फंदे हमने निकाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो लूफ वाला फंदा है, ये वाला फंदा, इस फंदे को आपको इस फंदे के साथ नहीं बुनना है, इस वाले फंदे को आपको इस वाले फंदे के साथ बुनना है। तो कैसे, लूफ निकालने के बाद मैंने दो फंदा बुना था ना, 1, 2, यही दो फंदा बुना था। इसके बाद देखिए मैंने लूफ निकाला था, तो आपको क्या करना है, तीन फंदा बुनना है, मतलब जो ये लूफ वाले फंदे हैं उसके पहले वाले फंदे को आपको बुन लेना है, इसके बाद वाले फंदे के साथ आपको दो का एक करना है, यही आपको नहीं भूलना है। फिर से देखिए, 1, 2, 3, अब ये लूफ वाला फंदा आ गया, ये बिल्कुल अलग ही पता चलेगा, इस फंदे को आपको इसके साथ बुनना है ऐसे, इसके बाद बचे हुए फंदे को आपको उल्टा बुन लेना है। अब यही दो सिलाई ही आपको रिपीट करना है, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है आपको। पहले मैंने क्या किया था, पहले फंदे को स्लिप किया था, तीन फंदा सीधा बुना था, इस बार दो ही फंदा सीधा बुनेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे फिर दो ही फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2। अब ये जिस फंदे में ये बुना रहेगा, ये देखिए ये लूफ, इसके बीच वाले फंदे से लूफ निकालना है, यही इतना आपको ध्यान देना, तो ये डिज़ाइन जो है ऐसे ऐसे तिरछी होती चली जाएगी, आएगा वही फिर से तीन फंदा सीधा, जब बुनोगे तो आपको वही फंदा मिलेगा जिसमें आपको डिज़ाइन बनानी रहेगी। ये देखिए, तो ये वाले फंदे के बीच से आपको लूफ निकालना है ये, इसके बाद सारे फंदे को आपने सीधा बुनना है, फिर से उल्टे की तरफ एक सिलाई आप और देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उल्टा बुना, उल्टा बुना। अब ये जो लूफ वाले फंदे, इस फंदे को हमेशा आपको साइड वाले फंदे के साथ बुनना है, मतलब अगले फंदे के साथ, ये ये, बस इतना सा ही आपको ध्यान देना है। यही दो सिलाई जब आप बार बार रिपीट करोगे, ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल अलग सा, दो ही जब आप बार बार रिपीट करोगे तो ऐसा पैटर्न कंप्लीट होगा। देखिए बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा, आप ये जेंस स्वेटर में डालिए, सुंदर लगेगा, यूनिक लगेगा, बिल्कुल अलग लगेगा, और बनाने में भी इजी है, ऊन भी ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, किसी प्रोजेक्ट पर आप इसे अप्लाई भी कर सकते हो। तो आप इसे ट्राई करिएगा और हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ, नेक्स्ट वीडियोज़। बाय बाय।